हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी 25 से भी ज़्यादा ऐसे पौधों के नाम जिन्हें कटिंग से आराम से इस टाइम पे लगाया जा सकता है, मतलब जून जुलाई के महीने में। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा ये बोगनविलिया का प्लांट ही आ जाता है। तो इसकी पेंसिल जितनी मोटाई वाली कटिंग आराम से लग जाएगी, बस मिट्टी को मॉइस्ट बना के रखें और छायादार जगह में लगा के रखें। दूसरे नंबर पर आ जाता है ये प्यारा सा प्लांट जो कि अल्टरनेथ्रा है। अगर धूप में रखेंगे तो ये लाल कलर की पत्तियाँ हो जाती हैं और छाया में ग्रीन। तो ये भी जैसे कई टहनियाँ इसके नीचे से निकली रहती हैं, तो उसको जैसे कि ये है या थोड़ी सी मैच्योर, उसको तोड़ करके अगर हम मिट्टी में लगा देंगे तो वो भी हमारी चल जाएगी और हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा ये सिंगोनियम का। तो ये भी अगर इसकी एक पत्ती में भी अगर नोड एरिया होगा, क्योंकि वहाँ से रूट्स निकलती हैं, तो वो लग जाएगा। और ये नेक्स्ट हमारा पर्पल हार्ट का, तो ये भी इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। बस इस तरह से तोड़िए यहाँ से और मिट्टी में दबा दें। सबसे हार्डी प्लांट होता है, आराम से लगेगा, हर मौसम में लग जाती है इसकी कटिंग, तो अभी भी लग जाएगी। और ये नेक्स्ट हमारा ये अडेनियम का प्लांट, तो इसकी कटिंग भी अब लग जाएगी। सैंडी सॉइल में लगाएं या खाली सैंड में ही लगा दें, तो पहले 5-6 दिन उसे छायादार वाली जगह में सुखा लें, तब लगाएं। और ये हमारा पेंटास का, तो इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाएगी। ये इस तरह से नीचे से कई टहनियाँ निकली रहती हैं, तो कोई भी एक तोड़ लेंगे हम थोड़ी सी मैच्योर और उसे सैंडी सॉइल में लगा देंगे। मिट्टी मॉइस्ट रखेंगे हमेशा और छायादार वाली जगह पर लगाना है इसको। आराम से लग जाएगी हमारी इसकी कटिंग, प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का, तो इसकी कटिंग भी, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। थोड़ा सा ये धीमा ग्रोथ करता है, ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसकी कटिंग लग जाती है। ये कटिंग से ही तैयार मेरा प्लांट है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा ये ग्रीन आइलैंड फाइकस का, तो फाइकस जो होते हैं वो बहुत ही हार्डी होते हैं, तो ये कटिंग इसकी मैंने यहाँ पर लगाई थी, आप लोगों से कई वीडियोज़ में शेयर भी किया है। और ये हमारा लोरोपेटलम का, तो इसकी भी कटिंग मैंने आप लोगों से शेयर की थी, और इस टाइम पे भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी और हमारे गार्डन में एक अलग कलर ऐड करता है, तो आप ढेर सारी कटिंग लगाइए इसकी। और ये हमारा गार्डेनिया का या गंधराज का, ये पौधा थोड़ा सा महंगा आता है, अगर आपको कहीं भी दिखे कोई अगर इसकी कटिंग दे दो तो आप इसे ज़रूर लगाएँ। जितनी मोटी ये है इसकी टहनी या ये, तो हर तरह की चल जाएगी, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, तो इसकी कटिंग भी आसानी से इस टाइम पे लग जाएगी और एक महंगा प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये है हमारा रियो का प्लांट, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये जो टहनियाँ आप देख रहे हैं इसी तरह की मैं लेके आई थी, तो इस तरह की कटिंग भी मैंने लगाई थी जिससे काफ़ी लीव्स निकली थी और प्लांट मेरा काफ़ी घना हो गया था, तो आसानी से लग जाती है इस प्लांट की भी कटिंग। और ये हमारा पेडिलेंथस का, तो इसकी भी कटिंग आसानी से लग जाएगी इस टाइम पे। तो ये प्लांट अगर आपको मिले कहीं पे इसकी कटिंग, तो आप ये भी लगा लें। साथ में ये हमारा मनी प्लांट जो कि हर मौसम में लग जाता है, ये भी, और पानी में डाल के रख दें, रूट्स आ जाएंगी, तो आप ऐसे ही इसे लगा लें और बहुत ही ईजी है इसकी कटिंग लगाना। और नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा ये देसी गुलाब का, तो ये भी कटिंग हर महीने लगभग लग ही जाती है, और इस टाइम पे देखिए इस पर भी काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत सारे फूल आ रहे हैं जिन्हें मैं हटाना मतलब टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसकी कटिंग भी आराम से लग जाएगी। ये देसी वाला जो गुलाब होता है काफ़ी हार्डी होता है, तो यहाँ पर धूप काफ़ी पड़ती है, तो ये फूल, ये आज ही का फूल है, एक ही दिन में इनकी हालत हो जाती है, लेकिन कटिंग आपकी लग जाएगी। ये नेक्स्ट नंबर पे हमारा ये यूफोर्बिया मिली का, तो इसकी कटिंग भी इस टाइम पे आराम से लग जाएगी। तो जब भी आप इसकी कटिंग लाएं कहीं से 5-6 इंच की कटिंग, तो वो 5-6 दिन तक पहले छाया में सुखा लें, फिर सैंडे सॉइल में इसे ग्रो करें, लेकिन पानी का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी थोड़ा सा पानी दे दें कि बस मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। और ये हमारा मैक्सिकन पिटोनिया का, तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये देखिए थोड़े दिन पहले मैंने आपको कटिंग लगा के दिखाया था, तो ये हमारी चल गई है, इसमें लीव्स भी आ गई हैं न्यू, तो ये प्लांट भी बहुत हार्डी होता है और ये भी कटिंग से तैयार हो जाता है। और ये हमारा क्रोटॉन का, तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, तो जो आपको पसंद हो तो ऊपर टिप पर की कटिंग आप लें, आराम से लगा दें उसे। इस टाइम पे ये भी चल जाएगी, बस मिट्टी मॉइस्ट बना के रखना है और छाया वाली जगह में सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे तो जल्दी आराम से लग जाएगा। और ये हमारा पर्सलेन का, तो ये भी आराम से लग जाते हैं, पर्सलेन है ये हमारे, ये पोर्चुलका है, तो इनकी कटिंग तो आराम से लग ही जाती है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होगी तब उसके पानी से हमें
बचाना पड़ेगा। तो ये अक्टूबर तक हमारे फ्लावरिंग करते रहेंगे, तो इनकी कटिंग भी आराम से लग जाती है। जो कलर के आपके पास ना हो तो वो आप ला के लगाएं। ये हमारा कनेर का या ओलियंडर, तो इसकी भी कटिंग आराम से लग जाएगी, लेकिन थोड़ी सी हार्डवुड होनी चाहिए और आराम से इसकी कटिंग भी लग जाएगी। तो ये भी कई कलर्स में आते हैं, जो कलर आपके पास ना हो आप उस कलर की कटिंग लगाएं। ये हमारा तिकोमा का या गोरी चोरी का प्लांट, तो ये भी कई कलर्स में आते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और आराम से ये इस तरह की जो थिकनेस वाली कटिंग है ये हार्डवुड, तो आप लगा लें, या तो इस ऐसे नहीं लगती है तो पानी में डाल के रख दें, रूट्स आ जाएंगे बहुत आसानी से, ये प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारा कोलियस का, थोड़ा सा मेरा ये ख़राब हो रहा है लेकिन मैंने इसे बचा लिया है, और थोड़ी कुछ कटिंग मैं इसके पानी में भी डाल के रख दूँगी तो उसमें भी रूट्स आ जाएगी, इस तरह से मेरा ये प्लांट बच जाएगा। और ये हमारा कलांचू का, ये देसी वाला कलांचू है, तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। मैंने जगह जगह पे इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगा रखी हैं, तो अगर आपको कहीं पे भी ये प्लांट देखने को मिले तो आप इसे ज़रूर लगाएं, फिर सर्दी आने तक ये ढेर सारी फ्लावरिंग भी करेगा। इसके अलावा ये हमारा स्नेक प्लांट, जो कि ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, तो ये भी कहीं से पप मिले आपका तो ले आए, या तो ये लीफ से भी प्रोपगेट हो जाता है, तो आपको कहीं लीफ मिलती है उसको ही चाहे पानी में डाल के रख दें या मिट्टी में, रूट्स आराम से आ जाएंगी, प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। ये हमारा डिफेनबेकिया का, तो इसका इस तरह की कटिंग अगर आपको कहीं मिले, उसमें दो तीन नोड एरिया हो मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, आराम से रूट्स आ जाएंगे और आपका प्लांट रेडी हो जाएगा। ये हमारा गुलदाउदी का या क्राइसेंथेमम का, तो अगर ये प्लांट आपको कहीं पे भी देखने को मिले तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने जो सेव किए थे ये वही वाले हैं, तो अगर आपको इसकी कहीं कटिंग मिले तो आप ला करके ज़रूर लगाएं, सर्दी आने तक इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने ढेरों प्लांट आपको बताया, तो जो आपको समझ में आए, जो आपको कहीं मिले आप ला करके ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हैप्पी गार्डनिंग।